पूरी दुनिया में क्रैब्स की लगभग 1476 स्पीशीज पाई जाती हैं, जहाँ इनमें से ज्यादातर स्पीशीज पानी में रहती है। वही कुछ स्पीशीज ऐसी भी है जो पानी के बजाय जमीन पर अपना बसेरा बनाती है। इन्हीं केकड़ों में से एक है कोकोनट क्रैब्स की स्पीशीज, जो क्रैब्स की सबसे बड़ी स्पीशीज में से एक होने के साथ ही काफी ज्यादा खतरनाक भी मानी जाती है। यही कारण है कि अगर किसी ने गलती से भी करीब जाकर इन्हें छूने की कोशिश की तो ये क्रैब्स उसे नुकसान पहुंचाने में जरा भी देर नहीं लगाते। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं कोकोनट क्रैब्स के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्रैब्स कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। असल में ये क्रैब्स दिखने में किसी बुरे सपने से कम नहीं है, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। आपको बता दे कि जाइगेंटिक रॉबर क्रैब्स का साइंटिफिक नेम बिर्गस लैट्रो है और इन क्रैब्स को दुनिया के सबसे बड़े टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड होने का खिताब भी हासिल है। इनके साइज और वजन की बात करें तो यहाँ ये क्रैब्स 4 किलो से भी ज्यादा वजनी हो सकते हैं, वही इनका साइज भी 1 मीटर से अधिक हो सकता है। इन लार्ज साइज क्रैब स्पीशीज को इंडियन और पैसिफिक ओशन के आइलैंड के साथ साथ गैम्बियर और पिटकेरन आइलैंड्स पर भी देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन्हें इंसानों के करीबी इलाकों जैसे ऑस्ट्रेलिया और मैडागास्कर के अलावा अफ्रीका के कोस्टल एरिया जांजीबार में भी पाया जाता है। जुवेनाइल कोकोनट क्रैब्स हर्मिट क्रैब्स की तरह एम्प्टी गैस्ट्रोपॉड शेल की मदद से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। वही एडल्ट होने के बाद ये क्रैब्स इन शेल को छोड़कर टफ एक्सोस्केलेटन के जरिए खुद को सेफ रखते हैं। कोकोनट क्रैब्स क्रैब्स की दूसरी स्पीशीज से इसलिए भी अलग होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में खास तरह का ऑर्गन पाया जाता है, जिसे ब्रैंकियोस्टेगल लंग्स कहते हैं। अपने इसी ऑर्गन की वजह से ये क्रैब्स सांस ले पाते हैं। वैसे इन क्रैब्स की स्मेलिंग पावर भी गजब की होती है, जिसकी मदद से ये अपने भोजन की तलाश करते हैं। वैसे इन क्रैब्स को खाने में फ्रूट्स, नट्स, ट्रीज और पिथ ऑफ फॉलन ट्रीज के साथ ही टॉर्टोइस के बच्चे, डेड एनिमल्स और रैट्स खाने पसंद होते हैं। मजेदार बात यह है कि ये केकड़े जमीन पर पड़ी हर चीज में भोजन का एक संभावित स्रोत तलाशते हैं और उसे खा जाते हैं। यही वजह है कि इन क्रैब्स को रॉबर क्रैब्स नाम मिला है। व्हेन कोकोनट क्रैब्स अटैक्स बर्ड, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये क्रैब्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और भूख लगने पर ये किसी पर भी हमला करने से नहीं चूकते। ऐसे में जब इस खतरनाक शिकारी के सामने ये खूबसूरत पक्षी पड़ा हो तो इसने मौका देखते ही इस पक्षी पर हमला कर दिया और बेचारा यही पक्षी तड़पता रह गया, पर इस क्रैब ने उस पर जरा भी रहम नहीं किया। इसके साथ ही भूख लगने पर ये क्रैब्स छोटे कोकोनट क्रैब्स को भी खाने से पीछे नहीं हटते। कोकोनट क्रैब्स ब्रेकिंग कोकोनट हार्ड सरफेस, आप देख सकते हैं कि ये क्रैब्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से ये कोकोनट के हार्ड शेल को भी आसानी से तोड़ सकते हैं। वैसे हार्ड शेल को तोड़ने के बाद देखिए ना किस तरह से ये क्रैब कोकोनट का मजा ले रहे हैं। मतलब साफ है कि ये क्रैब्स जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव होते हैं उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। यही नहीं, अगर इनका सामना किसी इंसान से हो जाए और अगर वो एकदम हाथ धोकर इन क्रैब्स के पीछे पड़ जाए तो आपको बता दे कि ये क्रैब्स उसे 3300 न्यूटन फोर्स से काट सकते हैं, जो गहरे जख्म देने के लिए काफी है। अब तो आपको इन क्रैब्स की ताकत का अंदाजा लग ही गया होगा, पर कई बार बाजी उल्टी भी पड़ जाती है क्योंकि अक्सर ये क्रैब्स इंसानों के हमलों का शिकार बन जाते हैं। इंसानों के द्वारा शिकार किए जाने की ही वजह से कुछ खास इलाकों में कोकोनट क्रैब्स की पॉपुलेशन में भारी कमी देखी गई है। इसके साथ ही इनके इलाकों में इंसानी गतिविधि और पेड़ों की कटाई की वजह से भी इन क्रैब्स की प्राइवेसी में खलल पड़ा है। यहाँ तक कि कई मामलों में ऐसा भी पाया गया है कि ये क्रैब्स सड़क दुर्घटना तक में मारे जा रहे हैं। इसी के चलते आज अनेक जगहों पर इन क्रैब्स को बचाने यानी प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग तरह की मुहिम चलाई जा रही है। कोकोनट क्रैब क्रश स्टिक, ये देखिए कोकोनट क्रैब्स कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं। मतलब जैसे ही इन क्रैब को स्टिक पकड़ाई गई, उसके बाद तो जैसे इसने कसम ही खा ली है कि ये स्टिक तो तोड़कर ही मानेगा। वैसे ये ताकतवर और जिद्दी क्रैब्स अक्सर अपना फूड कोकोनट या पाम ट्री के नीचे से चुनकर ही खाते हैं, लेकिन ट्रीज के नीचे फूड ढूंढने के साथ साथ ये क्रैब्स इन ट्रीज पर चढ़ भी सकते हैं, खासकर जब इन क्रैब्स को जान का खतरा महसूस होता है। इन क्रैब्स को आमतौर पर इंसानों के साथ साथ लार्ज सी बर्ड्स और ओल्ड क्रैब से जान का खतरा बना रहता है, इसी वजह से ये क्रैब्स पेड़ के ऊपर जा बैठते हैं। इतना ही नहीं, ये क्रैब्स पेड़ के ऊपर बैठकर खाना भी खा सकते हैं। वैसे क्या आपको क्रैब्स का ट्रीज पर चढ़ना और ट्रीज के ऊपर बैठकर खाना फनी लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मजेदार बात यह है कि कई बार इन्हें पेड़ों से नीचे गिरते हुए भी देखा गया है, जिसका इन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। पीपल ईटिंग कोकोनट क्रैब्स,
ये क्रैब्स भले ही कितने ही ताकतवर हो, लेकिन इंसानी ताकत और लालच के सामने ये जिंदगी की जंग हार जाते हैं और इंसानों के हमलों का शिकार बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इन क्रैब्स के इतने ज्यादा खतरनाक होने के बाद भी लोग इन्हें खाने से नहीं चूकते। ऐसा नहीं है कि इन क्रैब्स की पॉपुलेशन में सिर्फ गिरावट ही आई है। आपको बता दें कि हर साल ये क्रैब्स सूखे इलाकों में मई से लेकर सितंबर मंथ तक मेटिंग प्रोसेस को निभाते हैं। वही मेटिंग प्रोसेस को पूरा करने के बाद फीमेल्स समुन्द्र के किनारे आकर एग्स देती है। एक फीमेल कोकोनट क्रैब एक बार में लगभग 1.5 लाख से लेकर 2 लाख एग्स के आसपास दे सकती है। फीमेल इन एग्स को सी में फर्टाइल करती है। आपको बता दे कि ये लार्वा पानी में लगभग 1 महीने रहने के बाद बॉटम पर आते हैं। फिर ये नन्हे क्रैब्स अपनी जिंदगी के शुरुआती 1 से लेकर 2 साल हर्मिट क्रैब्स की कम्युनिटी के साथ बिताते हैं। ऐसे में ये हर्मिट क्रैब्स के शेल का इस्तेमाल करके खुद को सेफ रखते हैं। पर जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाते हैं, इनके शरीर पर मौजूद इनका खुद का शेल काफी ज्यादा सख्त होता जाता है। ऐसे में जैसे ही ये बच्चे 0.5 इंच जितने बड़े होते हैं, ये हर्मिट क्रैब्स की लाइफस्टाइल को क्विट कर देते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जिस तेजी से इनकी तादाद कम हो रही है, उतनी ही तेजी से जन्म लेने की वजह से ये क्रैब्स अपनी पॉपुलेशन में बैलेंस बनाए हुए हैं। वैसे इन क्रैब्स के ये नन्हे बच्चे 5 साल की उम्र में खुद भी मेटिंग प्रोसेस को निभाने के लिए रेडी हो जाते हैं। कोकोनट क्रैब्स आमतौर पर लगभग 60 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। आपको बता दे कि एक मेल क्रैब फीमेल की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा होता है। इन क्रैब्स के 10 लेग्स होते हैं और ये लेग्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कोकोनट क्रैब्स अर्जेंसी में 29 किलो तक का वेट भी उठा सकते हैं। इसके साथ ही ये क्रैब्स अपने लेग्स से ब्रीदिंग ऑर्गन्स को क्लीन भी करते हैं। हैवी वेट उठाने के साथ साथ इन क्रैब्स की ग्रिप भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। इसी वजह से ये ट्रीज पर बहुत ही आसानी से चढ़ लेते हैं। बात करें आउटर अपीयरेंस की, तो इन क्रैब्स की बॉडी कुछ कुछ डेकापॉड्स की तरह लगती है और इनकी बॉडी पर ऑरेंज रेड से लेकर पर्पलिश ब्लू और रेड जैसे कलर्स पाए जाते हैं। जहाँ क्रैब्स की दूसरी स्पीशीज अपनी लगभग पूरी जिंदगी पानी में ही बिताती है, वही ये क्रैब्स पानी में बस कुछ ही देर रह सकते हैं। यानी अगर इन क्रैब्स को पानी में 1 घंटे से ज्यादा रखा जाए तो इनके डूबने तक की नौबत आ सकती है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि जैसे कोई इंसान सीढ़ियां चढ़ने, खेल कूद या ऐसी ही दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ती उम्र के साथ साथ कम या फिर लगभग बंद कर देता है, वैसे ही दिक्कत ओल्ड कोकोनट क्रैब्स को भी आती है। यहाँ तक कि पानी में रहने के साथ साथ ओल्ड कोकोनट क्रैब्स पेड़ों पर चढ़ना भी कम कर देते हैं। तो ये थी दुनिया की सबसे अनोखी क्रैब स्पीशीज की लाइफ जर्नी और उनसे रिलेटेड की एलिमेंट्स। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइए कि कोकोनट क्रैब से रिलेटेड फैक्ट्स में कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और क्या कोकोनट क्रैब्स यानी रॉबर क्रैब्स को आपने कभी देखा है। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।